जनता की सरकार का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ अडानी या अंबानी की सरकार हो। जनता की सरकार आ रही है 224 में, भाजपा का सफाया होगा बिहार में। दिन कहा जा रहे हैं वो तो जल में है ही नहीं, जल में अलग है। लोकसभा में बिहार में 0 पर आउट होंगे ये भाजपा के लोग। प्रधानमंत्री होंगे। तमाम विपक्षी को एकजुट करके भाजपा की सरकार को कैसे से उखार करके बाहर फेंक। एक फिल्म भी बना है उस पर भी पूरा बवाल हो रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव बिहार में, मैं आपके साथ रूपम। देखिए, लोकसभा का चुनाव आने वाला है और उससे पहले पटना के गलियारों में पोस्टर बैनर लगाने का प्रक्रिया शुरू हो गया है। पोस्टर के जरिए लोग एक दूसरे पर कटाक्ष करते नजर आ रहे हैं। पोस्टर के जरिए ये भी बताते नजर आ रहे हैं कि जो आने वाला चुनाव है उसमें जीत हमारी ही पक्की है, सुनिश्चित है, हमारी ही जीत होगी। क्योंकि हम अभी जदयू कार्यालय के पास मौजूद हैं और जदयू कार्यालय के बाहर जो गेट है, एकदम गेट के पास एक पोस्टर लगा हुआ है, 2024 आ रही है, जनता की सरकार। यानी कि साफ तौर पे कह दिया गया है कि 2024 आ रही है उसमें जनता की सरकार आ रही है। कहने का मतलब है नीतीश जी की सरकार आ रही है। नीतीश जी की सरकार तो हालांकि पहले से भी थी, लेकिन फिर भी यहाँ कहा गया है कि जनता की सरकार आ रही है। कई लोग के चेहरे यहाँ पे हैं, आप देख ही सकते हैं। उधर ललन सिंह फर्नल वे हैं, उसके बाद फिर नीतीश कुमार हैं, अमित कुशवाहा हैं, सभी लोगों का यहाँ पे पोस्टर लगाया है। जो पोस्टर लगाने वाले हैं वो प्रदेश सुधाकर मंडल कुछ लोग जदयू के हैं जुड़े हुए, हम इनसे भी इनसे बात करते हैं। आप लोगों का नाम क्या है? मनोरंजन मजुमदार। हम जनता दल यू के प्रवक्ता हैं, मुंगेर जिला से प्रवक्ता हैं। बढ़िया है, हमको प्रवक्ता से इधर आ जाइए, थोड़ा लाइक में आ जाइए, आपको इधर आ जाइए। ये पोस्टर लगाने का क्या मतलब है? पोस्टर ये अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की ओर से लगाया गया है। जनता की सरकार आने वाली है 2024 में निश्चित रूप से। अभी तो है अडानी अंबानी की सरकार है। अच्छा, लोकसभा लोग ये कह रहे हैं 2024 के पोस्टर में भी लिखा हुआ है तो ये स्पष्ट हो जाना चाहिए कि लोकसभा। अच्छा। और लोकसभा में बिहार में 0 पर आउट होंगे ये भाजपा के लोग। और बिहार से ही उल्टी गिनती शुरू हुई है और वह सरकार जाएगा और केंद्र में जनता की सरकार, लोकतंत्र में विश्वास रखने वाली सरकार, आम आवाम का चुनने वाली सरकार, वो सरकार वहाँ। आप लोग यहाँ पोस्टर लगाए हुए हैं और उधर अरसद सिंह बीजेपी से मिलने जा रहे हैं, ऐसे कह रहे हैं कि बीजेपी हारेगी। भाई, आप लोग का सारा लोगों को तो अपनी तरफ मिला रही है। एक बात जान लीजिए, वो तो आपको 24 में ही पता चल जाएगा, मैं उस पर टिप्पणी नहीं देना चाहता हूँ। आरसीपी सिंह कहाँ जा रहे हैं वो तो जल में है ही नहीं, जल में अलग है, कौन कहाँ जा रहा है उसका मतलब है। लेकिन जनता दल यूनाइटेड और जनता दल यूनाइटेड के प्रधान नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी विपक्षी एकता के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं और एकजुट कर निश्चित रूप से करेंगे। आने वाले 24 के चुनाव में पूरे भारत को सफाया होगा भाजपा मुक्त। आपको क्या लग रहा है 2024 में जनता की सरकार? जनता की सरकार आ रही है 224 में, भाजपा का सफाया होगा बिहार में और अडानी अडवानी और पूंजीपतियों की सरकार देश से विदा हो जाएगी। क्या लग रहा है नीतीश जी जो इधर उधर घूम रहे हैं, हर स्टेट में जाके हर मुख्यमंत्री को मिला रहे हैं, उसे बीजेपी का सफाया हो जाएगा? नीतीश जी बिल्कुल सफल हुए हैं विपक्षी को मिलाने में और नीतीश जी हमारे देश के चेहरा बनेंगे और नीतीश जी के चेहरा पर ही मेरा देश में वोट मिलेगा। नीतीश जी देश के प्रधानमंत्री होंगे। ऐसा सारे विपक्ष वाले मानेंगे कि नीतीश जी को प्रधानमंत्री बना देंगे? अभी कोई विपक्ष का नेता है कैसे मानेंगे? मुख्यमंत्री लोग हैं उनका इनसे ज्यादा सीट है, कैसे मान लेंगे? सभी लोग अब जुटान में लगे हुए, लेकिन अभी तो कोई झूठे नहीं है, सब लोग यही बोले कि मीटिंग बनाया जाएगा और उसमें भी पता चलेगा। अभी तो प्रधानमंत्री का सपना नहीं, मुख्यमंत्री खुद बोल रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री का अभी नहीं है दावेदार नहीं है। हम मेरा काम है एकजुटता करना, एकजुट करने का। अच्छा, एक एक करके जदयू के लोग हो चाहे आरजेडी के लोग हो, उन लोगों को धीरे धीरे करके बीजेपी अपने में मिला रही है। आरसीपी सिंह को ले लीजिए, उपेंद्र कुशवाहा को ले लीजिए, ये लोग भी हटे फिर वहाँ पर जाके मिल रहे हैं। कई लोग आरजेडी से भी वहाँ जाकर मिल रहे हैं और एक फिल्म भी बना है उस पर भी पूरा बवाल हो रहा है। बवाल में पड़ेगा, लगे हुए हैं
कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। जीत आप एकदम निश्चित 24 में सरकार बनेगी। और जहाँ तक आप कहते हैं नीतीश जी प्रधानमंत्री, ये आप लोग बोल रहे हैं, आप लोग चला रहे हैं, कभी नीतीश जी ने ये नहीं कहा कि मैं प्रधानमंत्री का उम्मीदवार हूँ। नीतीश जी का एक ही जो है मात्र उद्देश्य है कि तमाम विपक्षी को एकजुट करके भाजपा की सरकार को केंद्र से उखाड़ करके बाहर फेंके, और इसमें सफलता निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। कैसे विपक्ष कोई एक नेता बनेंगे तब तो कौन पे चेना वो सब नील बैठ करके तय कर लिया जाएगा। उसके लिए आप लोग एकदम निश्चिंत रहिए, सारा चीज चल रहा है और बैठ करके ही लोग तय कर लेंगे कि कौन नेता होगा और कौन अगला प्रधानमंत्री। जनता की सरकार कहने का मतलब है कि हर चीज थोड़ा सस्ता वगैरह हो जाए, रोजगार वगैरह मिले, तभी तो जनता की सरकार हो। अभी क्या मिल रहा है क्या? जनता की सरकार का मतलब जहाँ जनता की आवाज़ सुनी जाए, जनता का जो दैनिक समस्या हो, जनजीवन से जुड़ा हुआ समस्या हो, महंगाई बेरोजगारी तमाम मुद्दों पर चर्चा हो, बहस हो, इसके निदान का पहल हो। जनता की सरकार का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ अडानी अंबानी की सरकार हो, एक पूंजीपति दोस्त की सरकार। और यहाँ लोकतंत्र भी खतरे में है, तमाम संवैधानिक संस्था को जो है एकदम उसके अधिकार का हनन कर रही है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग रुकिए, आप देख सकते हैं, देखिए 2024 है और जनता की सरकार काले अक्षर में यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए मैं आपको फिर से दिखाना चाहूंगी, 2024 आ रही है, जनता की सरकार ये काले अक्षर में लिखा हुआ है। जनता जितना भी जनता है वो अपना हाथ उठाए गए हैं, जनता की सरकार लिखा हुआ है, यानी कि अब 2024 में जनता की सरकार आने वाली है, जनता की सुनी जाएगी। इन लोगों का कहना है कि अडानी और अंबानी जो भी हो इस तरह के लोगों को नहीं बख्शा जाएगा, नहीं सुना जाएगा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ कि आरजेडी सिंह जो कि आज बीजेपी से मिलने वाले हैं, उस पर भी इन लोगों की जो प्रतिक्रिया है आपने सुना। चलिए अभी के लिए इतना ही, बने रहे अपना बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।